छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 30 बच्चे रहस्यमय बीमारी से पीड़ित हो गए हैं। बच्चों के शरीर और मुंह के अंदर दाने निकले हैं। जलन होने के साथ ही बच्चों में बुखार के भी लक्षण हैं। परिजनों का कहना है कि सरकारी आयरन की सिरप पीने के बाद यह बीमारी बच्चों को हुई है। नवापारा पंचायत और उसके अंतर्गत आने वाले गाँव में गुरुवार से बच्चों के बीमार पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है। सरपंच के पति भगत मांझी ने बताया कि मंगलवार को शिशु संरक्षण सप्ताह के तहत 3 साल तक के बच्चों को आयरन सिरप बांटा गया था। सिरप पीने के बाद बुधवार को बच्चों के शरीर पर पहले दाने निकले, फिर मुंह के अंदर भी दिखाई देने लगे। अगले दिन शाम तक उनको बुखार आना भी शुरू हो गया। उन्होंने नवापारा के 18 और आश्रित गांव माहौलपरा के 6 बच्चों के नाम तक बता दिए। शुक्रवार को वह बच्चे को लेकर अमिल पादर अस्पताल गए थे। वहां डॉक्टरों ने कुछ दवाई लिखकर बाहर मेडिकल स्टोर से खरीदने के लिए कहा, साथ ही प्राइवेट डॉक्टर को भी दिखाने की सलाह दी। ग्रामीणों का दावा है कि जितने बच्चे बीमार हुए हैं सबने सरकारी आयरन सिरप पी है। जिन परिजनों ने अपने बच्चों को नहीं पिलाई वह स्वस्थ हैं। आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है। लोगों ने मांग की है कि यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए। अमली पदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भावेश यादव ने कहा कि शुक्रवार से 10 बच्चे आए हैं। इनकी स्थानीय स्तर पर जांच कर दवाई दी गई है। किसी में भी एलर्जी सिम्टम्स नहीं है, कुछ और ही हो सकता है। इसलिए पीड़ितों को चाइल्ड एक्सपर्ट की मदद लेने के लिए कहा गया था। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। स्थानीय टीम भी लगातार निगरानी कर रही है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।